जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा टेस्ट सीरीज कट ऑफ। देखिए कट ऑफ हो जाएगा एक तरह, दूसरा टेस्ट हो जाएगा मेंस का टेस्ट सीरीज और कैसे करना है क्या करना है। फ्री मेन मेरा मेनली फोकस किस पे होगा, फ्री मेंस टेस्ट सीरीज पे होगा, क्योंकि अब जो है मार्केट में बहुत सारे जो मॉक टेस्ट आ गए हैं पता भी नहीं चला है, और उनके जो दाम है वो आपके जो प्राइस है वो लगभग आपके ऑफलाइन दीजिएगा तो 7,000 प्लस जा रहा है, 3,000, किसी का 3,000 है, किसी का 7,000 है, किसी का 5,000 के आसपास है, और वो भी कितने टेस्ट दे रहे हैं, 10 टेस्ट दे रहे हैं, 10 या 12 टेस्ट है या 15 टेस्ट से टेस्ट सीरीज मैक्सिमम दे रहे हैं। तो मेरा काम है कि आप लोग को एक सही डायरेक्शन देना है कि आप लोग जो एफ़र्ट नहीं कर पाएंगे, जो एफ़र्ट कर पाएंगे उनके लिए तो अच्छा है कि जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं, जो एफ़र्ट नहीं कर पाएंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप हमारे मेंस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जो कि टोटली क्या आपका फ्री है, जो टोटली क्या होगा फ्री होगा। और हम लोग का एक जो पहला जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो हमारा 15 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है। तो 15 अक्टूबर को आप जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका बता दीजिएगा क्या रहेगा। और उससे पहले मैं बता दूँ कि उसको हम लास्ट में बताएंगे कि आपको कैसे जुड़ना है वो भी। और बाकी देखिए इस टाइप का भी हम लोग का डेली बेसिस पे चलता है, तो देखिए डे नंबर 85 का है, डेली बेसिस पे हमारा ये टेस्ट सीरीज चलता है। और ये जो है आपका 400 वर्ड में लिखना होता है और दो क्वेश्चन आपको दिया जाता है, दो क्वेश्चन कोई भी हम लोगों ने डिजिटल राइट बताया था और यहाँ पर न्यायिक समीक्षा के बारे में क्वेश्चन दिया था, जुडिशियल रिव्यू और डिजिटल राइट के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे मिलता है और मंडे टू फ्राइडे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे जो आपका ये क्वेश्चन मिलता है आपका GS2 चाहे GS1 और 2 का, और फ्राइडे सैटरडे संडे जो आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन मिलता है, सैटरडे संडे स्टैटिस्टिक मिलता है, और बाकी मंडे टू फ्राइडे आपको क्वेश्चन मिलेगा। और फिर साथ में हमारा ऑप्शन का भी चल रहा है, तो ऑप्शन का भी बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शन और हिस्ट्री ऑप्शन का हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो ज्योग्राफी ऑप्शन और आपका हिस्ट्री ऑप्शन ये दोनों हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। तो जनजातीय क्षेत्रों इसके लिए मिला था और बस यही था आपका, और यहाँ पे जियोलॉजिकल हिस्ट्री बताना था यहाँ पे। तो ज्योग्राफी का भी हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं, जो भी ये सर सारे के सारे आपका फ्री इनिशिएटिव है और ज़्यादा इसका वो नहीं है। अब हम बात करते हैं, देखिए अगर आपको BPSC फ्री आंसर राइटिंग से जुड़ना है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे 6200922032 पे, आप वहाँ पर जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर बात है कि कैटेगरी वाइज ये है हमारा 66 BPSC का कट ऑफ, 66 BPSC के कट ऑफ को अगर हम छोड़ दें तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो कट ऑफ है 97 से प्लस गया है, ठीक है। 66 BPSC ऐसा था जिसका कट ऑफ बहुत हाई चला गया था और 97 उससे पहले जितना भी गया है 97 गया है, तो अनरिजर्व का कितना गया 97 गया। ये आपका 65 का बात करते हैं, 64 में भी ये आपका 97 भी गया था 66 का, और 63 का आपका 96 के आसपास गया था, और 65 का 62 का 60-62 वाला इसका भी आपका 96 या 97 के आसपास ही रहा था, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा था। तो आप देख रहे हो कैसे जो है आपका मॉक जो आपका कट ऑफ है डिसाइड करा है, इरिस्पेक्टिव जो आपका 65th में था आपका 434 पॉइंट्स था, और 64 में आपका कितना था आपका लगभग 1400-1500 के आसपास सीट था, तो यहाँ पे भी आपका जो कट ऑफ रहा था 97 रहा था दोनों केस में, यानी कट ऑफ जो है वैकेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वैकेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो कट ऑफ जो है आपका यहाँ पे सिंपली सा, अब ये इसमें क्या हो गया था 66 में क्या हो गया था, 108 कैसे चला गया था वो सबको जानता है किस वजह से गया था, क्योंकि वहाँ पे पेपर लीक हुआ था। साथ में देखिए 67 में क्या हो गया, पेपर चोरी करते हुए पकड़ा गया था, मतलब बहुत लोग पेपर को चोरी करवा रहे थे एक रूम में बैठा के, तो वो 66 में भी हुआ था और उसका थोड़ा सा शक हो गया था, इसलिए कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई चला गया था। 67 में भी इन्होंने ऐसा ही किया था, लेकिन 67 में वो फेल हो गए, पकड़ा गए वो लोग। तो 66 में क्या गया था, आपको लीक का मामला आया था औरंगाबाद सेंटर पे, तो वहाँ से क्या हो गया, वहाँ का पेपर कैंसिल हो गया। अब जाहिर सी बात है डिजिटल इंडिया का टाइम है, तो यहाँ पे 2 सेकंड में क्वेश्चन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, तो और जाहिर सी बात है कोई भी क्वेश्चन भेजा तो कहाँ भेजेगा, आंसर भेजेगा कहाँ भेजेगा, ग्रुप में भेजेगा, और ग्रुप में हर जगह के लोग रहते हैं, हर सेंटर पर रहे होंगे, तो इसलिए जो है जैसे ही भेजा वो जैसे ही लीक हुआ होगा तो वो बहुत सारे सेंटर पे बहुत सारे लोगों के द्वारा मिल गया होगा, और जिस वजह से कटअप जो आपका 108 पहुंच गया है, ठीक है। तो 108 पहुंचने का एक मेन रीज़न आपका यही है कि 108 लीक की वजह से है। इस बार भी पेपर के टफनेस पे डिपेंड नहीं करेगा, ना ही आपका नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड करेगा, और ना ही आपका जितने स्टूडेंट 6 लाख स्टूडेंट हो चाहे 8 लाख स्टूडेंट हो, कटअप उसका उतना ही रहेगा,
ज़्यादा से ज़्यादा कितना नंबर बढ़ सकता है, 2 नंबर बढ़ सकता है। 97 से हम +2 मार्क्स बढ़ा सकते हैं, 99 कर सकते हैं। इसलिए हम अपना जो कट ऑफ लेके चल रहे हैं कि आपका सेफ स्कोर कहाँ आया, कहाँ से आएगा, जनरल मेल का बात करते हैं तो ये आपका 98 से 100 के बीच में रहेगा। अगर आपका 98 से 101 के बीच में, तो आप जनरल में सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग का यही है कि अनरिजर्व, ये मेल का हो गया, ये मेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया। तो अगर आपका जो है, ऐसे कहते हैं लोग कि फीमेल और मेल में कितना है, 10 का अंतर रहता है, लेकिन यहाँ पे हम एक सेफ स्कोर की बात करते हैं मेल के लिए। तो मेल के लिए अगर हम बात करेंगे तो आपका 99 से 102 के आसपास से हम कट ऑफ रखे हुए हैं। और यही जो है आपका अनरिजर्व, हम आज भी यही करेंगे, हम जो पहला कट ऑफ बनाए थे वो भी हम यही कहते हैं कि यही आपका कट ऑफ जाएगा, और अनरिजर्व फीमेल का जाएगा आपका 95 से 98 के आसपास रह सकता है, ठीक है। अगर हम EWS का बात करें तो 94 से 97 रहेगा EWS का, और 89 से 92 फीमेल कैटेगरी में EWS रह सकता है। और SC का भी 91 से 94 रहेगा आपका मेल कैटेगरी का, और SC में फीमेल कैटेगरी का रहेगा आपका 81 से 84 के बीच में। और ST जो आपका 91 से 94 ST कैटेगरी का मेल कैटेगरी में रहेगा, और ST का रहेगा आपका फीमेल कैटेगरी में 80 से 83 के बीच में रहेगा। फिर तो यहाँ पे SC ST, अब BC कैटेगरी का हम देख लेते हैं कि BC कैटेगरी का आपका यहाँ पे आपका 96 से 99 रहेगा मेल कैटेगरी में, और 87 से 90 रहेगा आपका फीमेल कैटेगरी में। और EBC का 92 से 95 रहेगा मेल कैटेगरी में, और EBC आपका फीमेल कैटेगरी में आपका 85 से 88 तक रहेगा, 85 से 88 तक। तो अगर आपका इतना आ रहा है, तो आप मेंस के लिए लग जाइए। अगर आप डाउट में है तो आप मेरे मेंस से लग जाइए। आप एक पेड ग्रुप मत, आप पेड ज्वाइन मत कीजिए, हमारे फ्री इनिशिएटिव से ज्वाइन कीजिए। फ्री इनिशिएटिव में आपको कितने कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको 2 क्वेश्चन आपका GS से मिल रहा है, 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल से मिल रहा है, 4 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने को मिल रहा है। साथ में स्टेटिस्टिक्स का भी हम लोग तैयारी करवाने हैं PYQ के रिलेटेड, तो आप वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे ही दिए हैं, आपको कैसे ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन के लिए मैं बता ही दिया हूँ कि आपको क्या करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको 6200922032 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं आप मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक दिया जाएगा। और लिंक याद रखिएगा, वहाँ पे 13,000 से ज़्यादा लोग रहे, 13,000 से ज़्यादा लोग हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। कटअप बताने के लिए जरूरी था क्योंकि बहुत लोग अभी डाउट में थे कि आप क्या ये सही है सही। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 13,000 के आसपास मेंबर है, 13,688। अब 15,000 के आसपास हो गया है, तो आप उसको, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका BPSC नोट्स नायक, आप यहाँ पे इसको सर्च कीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल आपका डायरेक्टली आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका जो टेस्ट होता है उसका PDF जो है हमारे इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 2.4 के है, और जो भी आपका टेस्ट होगा यहाँ का, जो आपका बेस्ट आंसर का जो PDF होता है वो हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं। तो बेस्ट आंसर जो होता है आपका हिंदी में भी होता है और आपका इंग्लिश में भी होता है। तो आप क्या कीजिए, आप अभी जो है, अभी अगर डाउट में है तो आपको क्या करना चाहिए, मेंस का आपको नोट्स बनाना चाहिए। चाहे आप 67 में पढ़ रहे हो, चाहे आप 68 में पढ़ रहे हो, तो आपको नोट्स जरूर बना लेना चाहिए, ताकि अगर आप इधर नोट्स बना लेंगे तो उधर जाके आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगा। तो देख लीजिए, हम लोग नोट्स बनाए थे, आर्टिकल 21 इन हिंदी हो जाएगा। यहाँ पे नोट्स हिसाब, यहाँ पे देखिए आर्टिकल 21 इन इंग्लिश, डे 83, तो डे 84 का यहाँ पे वर्क दे दिया गया है। तो 83वां का हम लोगों ने बेस्ट आंसर डाल दिया है, और 84वां में हम लोग यहाँ पे फिर से क्वेश्चन दे दिए, यानी डे वाइज चल रहा है। और इसी तरफ से हम लोग ज्योग्राफी का स्टार्ट किए, डे नंबर 1 से स्टार्ट किए थे, और ये 2 क्वेश्चन हम लोग भेजे थे। और डे नंबर 1 हिस्ट्री का भी ऑप्शन हम लोग स्टार्ट किए थे। तो आप जो भी है, आप अगर आपके पास डाउट में है कि हमको ज्वाइन करना चाहिए नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, अगर आप कट ऑफ के रेंज में है, चाहे 80+ में है, तो आपको मेंस का तैयारी कर देना चाहिए, क्योंकि 68 के लिए भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अब मेंस का तैयारी मैं वो कर रहा हूँ कि आपको मेंस के लिए नोट्स बना लेना चाहिए, और ज़्यादा कुछ मत कीजिए। आप अभी से नोट्स तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप नोट्स को याद करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल आपको क्या करना है, आपको अपना नोट्स बनाने पर फोकस करना है। और नोट्स कहाँ से मिल सके, यहाँ पर आपको बेस्ट आंसर मिला तो यहीं से आप नोट्स बना लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा, और डाइवर्स नेचर का आपको आंसर मिलेगा। मान लीजिए कि हम दस लोग तो अब नहीं कर रहे, आप 40 लोग यहाँ पर अपना आंसर सबमिट करें, 40 लोग में से कम 7-8 अच्छे आंसर हमको मिल जाते हैं, जो कि हम उसको अपलोड करते हैं। अगर 7-8 लोग का अच्छा आंसर, अगर आप दो सब में से मिला के थोड़ा भी बेस्ट आंसर का पार्ट आप लिखेंगे, तो आपके पास एक यूनिक आंसर का कलेक्शन हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपना नोट्स बनाइए। हमेशा एक बात याद रखिए, कोचिंग के नोट्स से आपको कुछ नहीं होने वाला है। कोचिंग के नोट्स कोचिंग वाले खुद लिखवा रहे हैं, कोचिंग के पास 100 बच्चे होंगे, वो 100 बच्चे वही नोट्स यूज कर रहे होंगे। आप भी नोट्स यूज कीजिएगा तो क्या फ़ायदा होगा, एग्जामिनर को कुछ नहीं मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। तो अलग कहाँ से मिलेगा, अलग यहाँ से मिलेगा। तो आप अगर अपना खुद का आंसर बनाएंगे तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा।
तो यही कहना था। बाकी आप जैसा भी आप चाहो तो अपना नोट्स बना सकते हो, नोट्स बनाना अच्छा रहेगा। और अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता आप नोट्स बनाइए और हमारे फ्री इनिशिएटिव पे बात पार्ट लीजिए। फ्री इनिशिएटिव में मैं बता दूं कि 15 अक्टूबर का, अभी तो हम लोग का डे वाइज तो मॉक टेस्ट चल रहा है, और 15 अक्टूबर को हम लोग ओपन मॉक टेस्ट रखे हुए हैं, यानी फ्री मॉक टेस्ट है आपका सभी लोगों का। तो आप अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट होगा, यहाँ पे आपको स्टेटसरी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपका कितना क्वेश्चन मिलेगा, आपको आपका इंटरनेशनल रिलेशन से होगा, फिर आपका हिस्ट्री से हो जाएगा, फिर आपका पॉलिटिक्स हो जाएगा। तो ये तीन रहेगा आपका, और जो भी है आपका जो लास्ट 10 दिन में, आपको क्वेश्चन दे रहा है, दिया जा रहा है, उसी में से आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यही था आपका सिलेबस, और आप जुड़ जाइए हमारे मेन चैनल से, मेन चैनल का ये वाला दिया हुआ है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।